क्वेश्चन है, आपके पास दो स्क्वायर शीट्स हैं, इसके ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर भी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, सिग्मा सबके लिए मीन्स फर्स्ट शीट का सिग्मा वन है, सेकेंड का सिग्मा टू है, दोनों का सिग्मा डिफरेंट है, इसका मतलब क्या कि मास दोनों शीट्स का डिफरेंट होगा। एरिया, इसका एरिया क्या बनेगा बताओ, इस स्क्वायर शीट का एल का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा एल का स्क्वायर। तो बोलो इसका मास क्या बनेगा, फर्स्ट स्क्वायर शीट का मास क्या होगा, सिग्मा इंटू एल स्क्वायर। कितने लोग एग्री करते हैं सिग्मा इंटू एल स्क्वायर, सही है। तो इस केस में इसका जो मास होगा एम वन, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा वन इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है मास अपॉन एरिया, को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मास, तो एम वन आ गया। फिर ऐसी एम टू क्या आएगा, एम टू सेकेंड मास क्या होगा सिग्मा टू इंटू एल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो दोनों का पहले आप मास निकाल लें, गिवन नहीं है, अगर मास गिवन हो तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, नहीं गिवन कोई बात नहीं, आप मास निकाल लो। इस शीट का मास कहाँ पड़ा होगा, इसके सेंटर पे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस पूरी शीट का मास कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पे। इस पूरी शीट का मास कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पे। तो मुझे ये पता लग गया कि ये मास M1 यहाँ पर होगा सेंटर पे, ये मास M2 यहाँ पर होगा सेंटर पे, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर है। अब मुझे अपना क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करना है, मीन सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से, ओ से, ओ को ओरिजिन मान लेते हैं, ओ को ओरिजिन मानेंगे तो ये कौन सा एक्सेस हो जाएगा एक्स एक्सेस, और ये कौन सा एक्सेस हो जाएगा वाई एक्सेस। तो अपने मन में ये सोचना है एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, ये भी क्लियर है यहाँ तक। अब कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, चलो कोऑर्डिनेट्स के केस में बोलो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सी वन का, ये टोटल डिस्टेंस कितना है एल, ओरिजिन से, ओरिजिन में 0,0 से ये दूरी क्या बनेगी एल बाय 2,0, टोटल एल है, ये भी एल है, एल का आधा एल बाय 2,0, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा एल बाय 2,0, बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, कितना 3 L/2,0, कितने लोग एग्री करते हैं सही है, चेक करें, ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना है L, और ये आधा कितना है L बाई टू, एल प्लस एल बाई टू कितना हो गया 3 L/2,0, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि आपको M1 पता है, M2 पता है, X1 पता है, Y1 पता है, X2 पता है, Y2 पता है, तो आप सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लें M1, X1, M2, X2, M1 प्लस M2, M1 की जगह सिग्मा वन इंटू एल स्क्वायर, X1 की जगह L बाई टू, M2 की जगह सिग्मा टू इंटू एल स्क्वायर, X2 की जगह 3 L बाई टू डिवाइडेड बाय सिग्मा वन इंटू एल स्क्वायर, सिग्मा टू इंटू एल स्क्वायर। तो यहां से एल स्क्वायर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट तो उसका वैसे भी जीरो आने वाला है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज आपके पास तीन ब्लॉक्स हैं, स्क्वायर ब्लॉक्स हैं रादर, दो तो ये रहे और तीसरा ये रहा, ऐसे हैं तीन स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट है या अगर ये 0,0 है ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट गिवन है 0,4 और ये कोऑर्डिनेट गिवन है 4,0, तीनों स्क्वायर का मास बराबर है m1 m2 एंड m3 1.5 kg, तो आपको m1 m2 m3
तीनों गिवन है 1.5 केजी। आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 0.0 क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 0.0 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें, इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा बोलो, इसके सेंटर पे, यहां पे। इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसके सेंटर पे। और इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसके सेंटर पे। हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो तीनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास, तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स। तो ये 0.0 है, लगाओ अपना मैथ और इसके 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 तीन कोऑर्डिनेट्स निकालो। वो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर निकालो x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास। तो इसमें चलो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहला ये बताओ, ये 0.0 है, बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट ये पूछ रहा हूँ, 1.1। देखो अगर ये 4 मीटर है तो ये आधा कितना है, 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, सही है। तो ये स्क्वायर 2/2 का है, 2/2 का मतलब है कि ये x एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर और y एक्सिस का डिस्टेंस भी कितना होगा 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर होगा। तो कोऑर्डिनेट बोलो क्या बनेगा, 1.1। क्या स्टेप क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसका कोऑर्डिनेट सबसे पहले ड्रॉ करो, क्या आएगा 1.1। चलो इसकी बात करते हैं, x कोऑर्डिनेट इसके अंदर अभी भी क्या रहेगा, 2 का आधा कितना 1 मीटर, और y कोऑर्डिनेट में पूरी हाइट निकालनी पड़ेगी, पूरी हाइट में ये 2 मीटर ये 1 मीटर, तो टोटल कितना 3 मीटर, क्योंकि ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर, 2 + 1 = 3 मीटर। तो इसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट अभी भी 1 मीटर है और y कोऑर्डिनेट 3 मीटर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो ये रहा 2 मीटर प्लस 1 मीटर कितना 3, और y कोऑर्डिनेट 1 मीटर, ये 2 मीटर का आधा कितना है 1 मीटर। क्या स्टेप क्लियर है, बन गए कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बन गए। तो सोच इमेजिन करो, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, तो m1 m2 m3 ऑलरेडी गिवन है। तो x सेंटर ऑफ मास में लगाओ फॉर्मूला, m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3। ऐसी y कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला लगा लेना, m1 y1 m2 y2 m3 y3 बाय m1 + m2 + m3। बोलो क्या आंसर आ रहा है पुट करने के बाद, 5/3 ऐसे ही आ रहा है, चेक करो, 5/3, ओके।
दोनों में फिर क्या आ रहा है, 5/3 एंड 5/3। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने इस क्वेश्चन को, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करो आपके पास फिर से एक स्क्वायर शीट है, तो ये स्क्वायर शीट है। इस बार मैं आपको दे रहा हूँ, ये स्क्वायर शीट जो है, नहीं स्क्वायर रेक्टेंगल दूंगा, 2 मीटर और ये 4 मीटर और ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, ये थोड़ा बड़ा है ये थोड़ा छोटा है, लेट अस सपोज। तो आपको इसमें क्या निकालना है, इसके सेंटर से C1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी, फाइंड पोजीशन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट C1। क्वेश्चन में गिवन है मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन है। चेक करते हैं, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा इसमें मास गायब है m1 m2, आपको मास चाहिए होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो आप निकाल रहे हो, क्योंकि मैंने आपसे पूछा c1 से दूरी बताओ, तो आपने c1 को क्या मान लिया, ओरिजिन। अगर दूरी c1 से निकालनी है तो c1 को ओरिजिन मान लिया, c1 ओरिजिन है तो ये क्या बन गया y एक्सिस, ये क्या बन गया x एक्सिस, ऐसे ही हुआ। तो ये कोऑर्डिनेट तो आ गया, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, x1, y1। अच्छा इसका इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, ये 2 मीटर, 2 मीटर का आधा कितना 1 मीटर, 1 मीटर और ये 3 मीटर का आधा कितना 1.5 मीटर, तो 1 मीटर प्लस 1.5 मीटर 2.5 मीटर, या 5/2 कर लें तो यहाँ पर क्या आएगा 5/2 मीटर, कॉमा 0। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ये स्टेप क्लियर है, कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा x2, y2। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है? अब m1 m2 कैसे निकाला, एरिया से मास कैसे निकलता है, हाँ कैसे, गलत हो गया कोई बात नहीं बोलो, हाँ एरिया को किससे, सिग्मा 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 तो केवल नहीं है, तो एज्यूम कर लो। तो आपको मैंने ये कहा मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सिग्मा इसका मतलब पूरी शीट्स के लिए क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो जिस क्वेश्चन में मास ने गिवन और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है शीट में, तो आप इसमें सिग्मा लें, इसके एरिया से मल्टीप्लाई करें, तो पहला मास m1 पता है क्या आएगा, सिग्मा इनटू कितना 8, दूसरा मास m2 पता है कितना आएगा, सिग्मा इनटू कितना 12, कोई डाउट इसमें? तो इसका एरिया कितना है 4 × 2 = 8, इसका एरिया कितना है 3 × 4 = 12, m1 m2 आ गया, राइट। अब x कोऑर्डिनेट निकाल लें, x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है सिग्मा इंटू 8, x1 की वैल्यू क्या है 0, m2 कितना है सिग्मा इंटू 12, x2 कितना है 5/2 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू 8 प्लस सिग्मा इंटू 12। तो सिग्मा 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 सिग्मा
कैंसल, सॉल्व करें, आंसर चेक करें, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई तो वैसे भी जीरो आएगा, कितना आ रहा है, 3/2। मेथड समझ में आ रहा है सबको? अगर मास नहीं भी गिवन तो कैसे काम करना है सिग्मा एज्यूम करके, कोई डाउट इसमें? फाइव बाई टू होना चाहिए, चेक करें, ये कितने 1 मीटर, हाँ ये 1 मीटर है, तो ये 1.5 मीटर, 2.5 यानी कि 5/2, मैंने चेंज किया ना जान के, क्योंकि लोग फिर उसको मान रहे, तो मैंने सीवन कर दिया। ये तो देखना है ना कि सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकालना है, ये भी तो प्रॉब्लम है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज आपको एक क्वेश्चन ऐसे गिवन है, जो शेप है वो कुछ ऐसी शेप गिवन है एक फिगर की, ये लो, ये शेप है, ठीक है, सच दैट ये जो लेंथ है, ये लेंथ 8 मीटर है, ये जो लेंथ है ये 2 मीटर है, 8 मीटर है, 2 मीटर है, ये जो लेंथ है, ठीक, ये जो लेंथ है ये मान लो 6 मीटर है, ये जो लेंथ है ये सपोज 1 मीटर है, ये पॉइंट ओ है, तो आपको लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है फ्रॉम पॉइंट ओ, ये क्वेश्चन है, ओ पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है, क्या होगी? दो फिगर लो, ऊपर वाला रेक्टेंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल, ऊपर वाले रेक्टेंगल का सेंटर निकालो, सेंटर में मिलेगा, नीचे वाले का सेंटर निकालो, सेंटर मिलेगा, दोनों सेंटर का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, ऊपर के रेक्टेंगल का सेंटर का कोऑर्डिनेट, नीचे के रेक्टेंगल का सेंटर का कोऑर्डिनेट।
इतनी सी क्वेश्चन है, इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दो रेक्टेंगल लें इसमें, ठीक है, आप इसमें ऐसा करें इकट्ठा सेंटर मास से निकला करता होता, आप इसमें ऊपर वाली बॉडी अलग ले और नीचे वाली अलग ले, पहला पॉइंट क्लियर है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर यूनिफॉर्म है, इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में मिलेगा, ठीक है यहां तक, और इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में मिलेगा, तो ऊपर वाले रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास रेक्टेंगल के सेंटर पे और नीचे वाले रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास रेक्टेंगल के सेंटर में, कोई डाउट इसमें, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास इस पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास, ऐसे यहां तक कोई डाउट इसमें, तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक्सिस ले लें, एक मिनट यार, कहां से निकालना है, ओ पॉइंट से निकालना है, ओ पॉइंट को ओरिजिन मान लें, अगर ओ से निकालना है तो ओ को ओरिजिन मान लें, 0.0 का मतलब ये हुआ कि ये क्या बना मेरा एक्स एक्सिस और ये क्या बना मेरा वाई एक्सिस, कोई डाउट इसमें, एक्स और वाई एक्सिस क्लियर है यहां तक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें आपके पास अगर ये y एक्सिस है तो आपका सेंटर ऑफ मास भी किस पे लाई करेगा, ऑन y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस है तो सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे, तो एक बात बताओ इस क्वेश्चन के अंदर ये सेंटर इस लोकेशन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो जा रहे तो y एक्सिस है, y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, अगर ये 2 मीटर है तो आधा कितना है, 1 मीटर है, तो बोलो क्या बनेगा, -1, 0.-1 क्लियर है, क्या सबने ये निकाल लिया था, 0.-1 कितना निकाल लिया था, ये निकला था, अच्छा अब निकाल लो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 0, क्योंकि y एक्सिस पे चल रहे तो x कोऑर्डिनेट इसका भी क्या बनेगा, 0, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये टोटल कितना है, 2 मीटर, ये टोटल कितना है, 6 मीटर, 6 का आधा कितना, 3 मीटर, 3 और 2 मिला के कितना हुआ, 5, तो यहां पर क्या आएगा, -5, कोई डाउट इसमें, y कोऑर्डिनेट क्लियर है सबको यहां तक, दोनों सेंटर्स का y कोऑर्डिनेट क्लियर, तो अगर y कोऑर्डिनेट क्लियर है तो ये क्या लेना है इसमें, x1 और ये क्या लेना है, y1, ये क्या लेना है, x2, ये क्या लेना है, y2, अच्छा मास तो बता दो कहां से निकालोगे, इस ऊपर रेक्टेंगल का मास बोलो क्या है, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया क्या है, 16, 8 × 2 = 16, सिग्मा तो अज्यूम करना पड़ेगा ना, बोला था मैंने आपको, नीचे वाले रेक्टेंगल का मास क्या होगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया कितने है, 6 × 1 = 6, क्लियर है, मास आ गया m1 m2, आपको कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 x2 y2, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकलेगा यहां से, m1 y1 + m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, तो m1 की जगह पुट करेंगे सिग्मा इंटू 16, y1 की जगह क्या पुट करेंगे यहां पर, नहीं मुझे ये y1 लेना चाहिए था, क्योंकि m1 के कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे नाम रखना चाहिए y1 और इसको 2, ऐसे ये 1 है और ये 2 है, ऐसे लेना चाहिए, ठीक है, तो x1 की जगह क्या, y1 की जगह क्या पुट करें, -1, m2 की जगह सिग्मा इंटू कितना, 6, और y कोऑर्डिनेट कितना, -5, तो सिग्मा इंटू 16 प्लस सिग्मा इंटू 6, सिग्मा 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 कैंसल, y कोऑर्डिनेट चेक करो क्या आ रहा है, -2.1 ऐसा कुछ, -2.1, ओके, तो -2.1, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ओरिजिन के नीचे, कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है कि क्या मेथड है इसका, ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर, ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सपोज करो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर किसी बॉडी का मास 1 kg है
या पार्टिकल का मास 1 kg है, एक और पार्टिकल है 2 kg, और सपोज या चलो इस को ऐसे पूछता हूँ, मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, मैं पहले मेरा एग्जांपल है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो पार्टिकल की जो मोशन होगी वो कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन में होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी या सर्कल में होगी? और दूसरा क्वेश्चन है, अगर वी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल की जो मोशन होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी या सर्कल में होगी? पहला आंसर क्या है? स्ट्रेट लाइन। जब वेलोसिटी वेक्टर, एक कार चल रही है, वेलोसिटी वेक्टर ये रही, एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, तो ऑब्वियसली सर्कल में कैसे जा सकती है? क्या आंसर होगा? स्ट्रेट लाइन। तो पहला आंसर स्ट्रेट लाइन है। दूसरा आंसर सर्कल। सर्कल क्यों? क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा कैसे होता है? टेंजेंशियल। और एक्सेलरेशन वेक्टर का मतलब सेंट्रीपेटल कहाँ एक्ट करती है? टुवर्ड्स सेंटर। तो इनके बीच में एंगल क्या होता है? 90। तो अगर वी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हैं तो पार्टिकल की मोशन कैसी होगी? ना सर्कल। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर याद रहेगा ये पॉइंट? ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है, अगले एग्जाम्पल में, वो ये जो मैंने अभी बताया ना, ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन, थोड़ी देर में क्वेश्चन आने वाला है, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, अभी नहीं पूछ रहा, थोड़ी देर में आएगा। सपोज करो आपके पास एक पुली है, इस पुली के यहाँ पर एक मास लगा हुआ है, सपोज मास 2 kg का मास है और सपोज ये 1 kg का मास है, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे आएगा? हमने किया हुआ है ये, हम इस क्वेश्चन को कैसे करते थे कि इसका जो वेट है 2g कहाँ एक्ट करेगा? नीचे। इसका वेट 1g कहाँ एक्ट करेगा? नीचे। तो ये t है, ये t है, ऐसे ये t है और ये t है, ऐसे करते थे। तो इसके लिए क्या करते थे? 2g माइनस t इज इक्वल टू 2 into a, और इसके लिए क्या करते थे? t माइनस 1g इज 1 into a। तो इसे ऐड करेंगे, 2g माइनस 1g g इज इक्वल टू 3 into a, a की वैल्यू क्या आएगी? g/3। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन ये नहीं ऑब्वियसली, तो लॉ ऑफ मोशन क्यों पूछूंगा, तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि दो ब्लॉक्स पुली के ऊपर लगे हुए हैं, तो एक ब्लॉक नीचे एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो बताओ इनकी एक्सेलरेशन क्या है? तो आप बोलेंगे इसकी नीचे आने की एक्सेलरेशन g/3 है, इसकी नीचे आने की एक्सेलरेशन g/3 है, और उसी तरीके से इसके ऊपर आने की एक्सेलरेशन g/3 है। कोई डाउट इसमें? एक नीचे जाएगा और एक ऊपर आएगा, सही है? क्वेश्चन ये नहीं है, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन तो पता है, आपको बताना है सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या है। आपको कि सेंटर ऑफ मास सेम ही तो होगा, कैसे होएगा सेम? इमेजिन करें एक मिनट के लिए, ये 2 kg, ये 1 kg, इनका सेंटर ऑफ मास 2 kg के आसपास कहीं यहाँ पर हवा में होगा, इमेजिनरी। अब जब 2 kg नीचे छोड़ दोगे, 1 kg ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियस सेंटर ऑफ मास 2 kg के साथ नीचे जाना शुरू जाएगा, कहीं तो मूव करेगा, तो यानी कि कोई तो उसकी एक्सेलरेशन होती होगी, निचली वो रेस्ट पे है। तो एक्सेलरेशन आपको इन दो ब्लॉक्स की नहीं पूछनी, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा एक्सेलरेशन दो ब्लॉक्स की निकाल लो, तो ऑलरेडी पता है सेंटर ऑफ मास, इनका सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है? तो आपको सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी। पहले क्वेश्चन की क्लैरिटी हो गई, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ मास कहीं हवा में होगा समझ में आ रहा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, क्योंकि तो इमेजिन ही करना पड़ेगा कि अगर मैं 2 kg है, 1 kg, सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ हवा में होगा कहीं पर, और अगर मैं 2 kg यहाँ मूव करता हूँ, 1 kg वहाँ मूव करता है, सेंटर ऑफ मास तो मूव करेगा ही करेगा, और अगर मैं एक्सेलरेट करता हूँ विद a1 वो एक्सेलरेशन उसकी a2 m1 m2, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, याद है फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का? तो लगाते हैं, चलो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ओ ये मैंने बताया नहीं, सॉरी, ये नोट करें फॉर्मूला बुकलेट में, हमने किया नहीं है, ये हमने किया नहीं है,
हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की है एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू। सिमिलरली फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें फॉर्मूला, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एम वन इंटू ए वन वैक्टर प्लस एम टू इंटू ए टू वैक्टर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। प्लीज ये फॉर्मूला को नोट कर लें। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? इस फॉर्मूले को नोट करें प्लीज। ठीक है यहाँ तक लगाएं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू देखो क्या होगी। 2 केजी का ऑब्जेक्ट एम वन की जगह मान लो 2, इसकी एक्सेलरेशन ए वन क्या है जी बाय 3 एम वन ए वन। फिर सेकेंड मास एम टू कितना है 1 केजी और एक्सेलरेशन क्या होगी माइनस जी बाय 3। इंपॉर्टेंट क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल मास। आंसर निकाल लेना, आंसर समझ में आ रहा है आंसर कैसे निकलेगा? तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा, ए इंडिविजुअल तो निकालना ही पड़ेगा और इस फॉर्मूले के अंदर एक एक्सेलरेशन को पॉजिटिव और दूसरे को क्या मानना पड़ेगा नेगेटिव आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, डायरेक्शन एक ऊपर एक नीचे वेक्टर है। अब प्रॉब्लम ये है ये वेक्टर में चलता है पर मैं अपनी वैल्यू स्केलर में पुट कर रहा हूँ, वहाँ एरो तो लगा नहीं सकते तो माइनस साइन तो लगाएंगे ना स्केलर में ताकि बता सकूँ कि डायरेक्शन ऑपोजिट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो हम एक काम करते हैं, इसका ना एक शॉर्टकट सीखते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक सेकेंड में आंसर आएगा आपका। तो शॉर्टकट नोट कर लें, फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें, शॉर्टकट बेटर रहेगा। तो फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें कि अगर आपके पास सपोज कोई भी एक पुली है, इस पुली के यहाँ पर मासेज हैं, पहला मास M2 है, दूसरा मास M1 है, एक्सेलरेशन A है, ठीक। लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल एक्सेलरेशन अगर आपको याद हो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है M2 माइनस M1, M2 प्लस M1 इनटू G, कोई डाउट इसमें? हमने निकाल रखी है इंडिविजुअल एक्सेलरेशन, क्लियर है यहां तक बात खत्म? कोई डाउट इसमें? तो लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन आएगी, पर मुझे क्या ढूंढनी है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक काम करते हैं M1, ठीक है, या M2 M1 जो मर्जी ले लो। तो सपोज करो यहां पर लेता हूं तो मैं M2 इंटू एक्सेलरेशन A प्लस M1 इंटू एक्सेलरेशन माइनस A डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो यहां से कॉमन आ जाएगा, क्या चीज कॉमन आएगी? M2 माइनस M1, M2 प्लस M1, और यहां से क्या कॉमन आ गया? A कॉमन आ गया, क्लियर है यहां तक? A आ गया कॉमन, ठीक है। थोड़ी चलाकी यूज इसलिए करता हूं, किस टाइप की? नीचे की एक्सेलरेशन पॉजिटिव मानता हूं क्योंकि मेरा आंसर नीचे के हिसाब से आने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो आंसर आएगा क्योंकि नीचे जा रहा है ना तो नीचे का ब्लॉक भारी है, सेंटर ऑफ मास इसी की तरफ जाने वाला है, तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मानता हूं। उल्टा भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है कोई, मैं बताता हूं कैसे उल्टा कर सकते हैं। एक काम करो, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 इनटू एक्सेलरेशन की जगह M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इनटू G। तो आंसर आएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 का स्क्वायर इनटू जी। ये फॉर्मूला नोट कर लें प्लीज, ये फॉर्मूला नोट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता,
बड़ा मास, छोटा मास, जिसमें मर्जी माइनस कर दो, होल स्क्वायर ही आना है, बात ही खत्म, आंसर। तो आज के बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला नोट कर लें, एम टू माइनस एम वन बाई एम टू प्लस एम वन का होल स्क्वायर इंटू जी, ये फॉर्मूला नोट कर लें प्लीज, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक, इसे नोट कर लें। ठीक है यहां तक? ठीक, तो शीट नंबर 68 में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कर लिया था, ये लास्ट क्वेश्चन में लास्ट टाइम किया था, ये क्वेश्चन है, मास m1 m2 के इक्वल है, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है वेक्टर फॉर्म में और एक्सेलरेशन भी गिवन है, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब बॉडी इज मूविंग द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, एक्सेलरेशन तो है नहीं। आपको ये बताना है कि इन वैल्यूज को देखते हुए कि पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, सर्कल में, पैराबोला में, किस में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको हिंट भी दिया था आज कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन है, और अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कल है, पर किसकी वेलोसिटी, यहां तो दो दो वेलोसिटीज हैं, दो दो एक्सेलरेशन हैं, उसने क्या पूछा, कौन मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास, तो हमें वेलोसिटी किसकी निकालनी पड़ेगी, पहले सेंटर ऑफ मास की, फिर एक्सेलरेशन भी किसकी निकालनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि क्वेश्चन पार्टिकल पे नहीं है, क्वेश्चन उसके सेंटर ऑफ मास पे है, तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से v सेंटर ऑफ मास निकालें, m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर / m1 + m2, मास तो सेम ही है, सॉल्व करके i कैप + j कैप, उसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 a1 वेक्टर, m2 a2 वेक्टर, m1 + m2, तो a1 वेक्टर पता है, a2 वेक्टर 0 है, तो यहां से सॉल्व करके a2 वेक्टर, तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर आ गया, अगर आप इनके मैग्नीट्यूड को छोड़ो सिर्फ डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर होते हैं, तो यूनिट वेक्टर क्या कह रहा है, इसकी डायरेक्शन कहां है, आई कैप प्लस जे कैप, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहां है, आई कैप प्लस जे कैप, तो डायरेक्शन अगर ध्यान से देखी जाए तो दोनों की मैग्नीट्यूड को ना देखो 3/2, डायरेक्शन दोनों की आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, तो अगर दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप सेम है तो इसका मतलब पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, कोई डाउट इसमें, क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि सपोज करो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप है और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आई कैप माइनस जे कैप है, तो बोलो पार्टिकल किसे मूव करेगा, सर्कल में, कैसे, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा है, जीरो, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब पार्टिकल में मूव इन अ सर्कल, कैसे देखना समझ में आ रहा है, विदाउट इसमें तो ऑब्जेक्टिव में पता ही लगेगा आपको, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको देखना पड़ेगा ये सब कर करके, ठीक। नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया असाइनमेंट में, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगी, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, ये भी डन है। ये भी आ सकता है कि आपको इस सिस्टम के अंदर इनिशियली ये गिवन है कि मासेज रेस्ट पे हैं, फिर आपने रिलीज कर दिया तो एक्सेलरेशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे होगी, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आना स्टार्ट हो गया भारी मास की तरफ, तो टी टाइम में सेंटर ऑफ मास ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकालो, तो आप सेंटर ऑफ मास की पहले एक्सेलरेशन निकाल लें, फिर सेंटर ऑफ मास के लिए अप्लाई करें एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या पुट करें, जीरो,
तो सेंटर ऑफ मास की एक्सप्रेशन जो आपने निकाली वहां पुट करके टाइम पुट करके एस की वैल्यू आ जाएगी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। ये भी क्लियर है यहां तक? ये ब्लॉक वाला क्वेश्चन आज हमने कर लिया, तीन ब्लॉक्स वाला, स्क्वायर ब्लॉक्स, ये हो गया। ये डिस्क में से डिस्क कट करके फेंक दी, सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हुआ, ये नेक्स्ट टाइम हमने करना, आज नहीं करना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइम लेगा ये, तो आज नहीं हमने करना ही, अब मैं छोड़ रहा हूँ इस अभी के लिए। ये सारी शीट के अंदर जो टॉपिक है अभी नेक्स्ट टाइम करना है।